नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, रसाहार की सीरीज में हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के आए हैं। कई बार क्या होता है कि चेहरे पर मुहासे और पिंपल्स की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब ये पिंपल्स और मुहासे हो जाते हैं तो चेहरे की सुंदरता खराब हो जाती है। और ख़ास तौर से जो युवा वर्ग है, जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो लोग अपने चेहरे को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि अगर चेहरे पर पिंपल्स हो जाए, मुहासे हो जाए, दाग धब्बे हो जाए, तो फिर वो न जाने अलग अलग ट्रीटमेंट के पीछे भागते हैं, और कई बार बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट लेते लेते उनके शरीर में और एक्सेस हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, उसकी वजह से वो पिंपल्स ठीक होना तो दूर बल्कि और ज्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी यही ऐसा होता है, लेकिन जरूर होता है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ पांच ऐसे फ्रूट जूस बताऊंगा जिनको आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको ये पांच जूस जरूर पीना चाहिए ताकि शरीर में ब्लड क्लीनिंग होना शुरू हो जाए, खून साफ होना शुरू हो जाए, और चेहरे पर ग्लो बढ़े, और ये जो पिंपल्स हो रहे हैं ये ठीक होना शुरू हो जाए। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से पांच ऐसे जूस हैं जिनको आपको पिंपल्स में, मुहासे की प्रॉब्लम्स में जरूर पीना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले आता है गाजर और पालक। ये दोनों जूस आपको मिक्स करके पीना है। आप फिर से सुन लीजिए, गाजर का जूस निकालें, पालक का जूस निकालें अलग-अलग, और फिर दोनों को मिक्स करके फिर आपको जूस पीना है। इससे होगा क्या, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ना शुरू होगा और धीरे धीरे इन पिंपल्स में जो जाइयां हैं, जो दाग धब्बे, उनमें आराम आना शुरू हो जाएगा। अगर कोई पीना चाहे, मैंडेटरी नहीं है, वो गाजर और आलू को मिक्स करके भी जूस पी सकता है। हालांकि थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा सुनने में, आलू का जूस, लेकिन बात सही है, सटीक है जानकारी। गाजर और आलू का जूस मिक्स करके आप पियेंगे तो इसमें पिंपल्स में आपको राहत मिलेगी। फिर बाजार में चुकंदर, जिसको बीट या बीट रूट भी कहते हैं, वो मिल जाता है, अंगूर मिल जाते हैं, तो चुकंदर और अंगूर का जूस भी आपको मिक्स करके ही पीना है। खास तौर से पिंपल्स की प्रॉब्लम्स में, जब बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, तब आप ये जूस जरूर पी सकते हैं। सीजन के टाइम पर पालक मिल जाती है अक्सर, वैसे तो आजकल 12 महीने अवेलेबल होती, लेकिन मौसम में अगर अच्छे से उसको लगाया गया हो तो पालक और टमाटर, ये दोनों जूस जो है आप मिक्स करके पिए, क्योंकि टमाटर इजीली अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और पालक भी मिल जाएगा आपको। इन दोनों का जूस बनाएं, अलग-अलग बनाएं, और फिर आप उनको मिक्स करें, जिससे ठीक रहेगा थोड़ा। और जो ये पिंपल्स हैं, खास तौर से चेहरे के गाल के आसपास और सिर के इस सामने वाले फोरहेड पर, यहाँ पर पिंपल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ककड़ी का रस भी पी सकते हैं, ककड़ी भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, आप उसको लाइए, अच्छे से छील करके और धो करके आप फिर उसका फ्रेश जूस बना करके पीजिए। ध्यान रखें, जूस ये सारे ताजा ही पीने हैं आपको, जो पैक जूस आते हैं वो इतना फायदा नहीं करेंगे। तो मित्रों, आपने देखा कि मुहासे, पिंपल्स से जो कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई है आज के टाइम पर, उसको ठीक करने के लिए जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उस ट्रीटमेंट के साथ साथ में आपको ये पांच जूस भी जरूर पीना चाहिए। मित्रों, वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करें। आपके सवाल बिल्कुल बेझिझक होकर के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिए, मैं आपके सवाल पढ़ूंगा और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना फ्री है, या नीचे लिखा हुआ है रेड लाल कलर में सब्सक्राइब, उसको टच करके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट, इसी तरीके के अच्छे, सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन या सूचना मिल जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।